हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं नाश्ते में उपमा। आज सबको एकदम हल्का सा नाश्ता करना है, तो ये मैंने सूजी को हल्का सा रोस्ट कर लिया है। ज़्यादा नहीं भूनना, हल्का हल्का रोस्ट करना है बस। और यहाँ पर ये हमारे उपमा की तैयारी हो चुकी है। ये गैस पर कढ़ाई रख दी, कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, कुकिंग ऑयल। और ये हरी मिर्ची, प्याज और कड़ी लीव्स ये कट करके ले ली। और ये टमाटर 3 से 4, और इधर आलू भी काट के धो के रख दिए। और हम बना लेंगे अपना उपमा। और इसमें तड़के की तैयारी कर ली है। तड़के के लिए ले लिया हमने चने की दाल। ये है चने की दाल। और इधर ये ले लिए सारे मसाले। मसाले में हमें राई, जीरा, इसका तड़का लगाएंगे। अब हम तड़का लगा लेते हैं। और जो सूजी हमने रोस्ट करी थी वो यहाँ पर निकाल के मैंने एक बर्तन में रख लिया। और ले लेते हैं 1 चम्मच राई। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। और थोड़ा सा जीरा, जीरा बहुत कम जाएगा, राई ज़्यादा जाएगी। तड़कने देंगे राई को। जैसे ही राई तड़कने लगेगी, ये आवाज आ रही है राई तड़कने की, हम यहाँ पे थोड़े ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, 6-7 लोगों के लिए। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं सारा सामान। और ये चने की दाल ये जाएगी तड़के में। इसको हल्का सा चलाते चलाते गुलाबी कलर की भून लेंगे। और उपमा हमारा फटाफट से जल्दी से बन के तैयार हो जाता है। और इसमें आप अपनी इच्छा से चाहे जो सब्जियां डाल सकते हो। दाल को हल्का रोस्ट होने देते हैं। उड़द की दाल भी ले सकते हैं इसमें चने की दाल के साथ 1 चम्मच, लेकिन मैंने चने की ली है खाली। दाल हमारी आराम से भून रही है। अब दाल हो गई हमारी, अब इसमें डालनी पड़ेगी। और ये प्याज, हरी मिर्ची, सब गए इसके अंदर। और अब इनको सबको भून लेंगे। और ये प्याज हमारी थोड़ी थोड़ी सी भूनने लगी है। अब इसमें डाल देते हैं इधर जो आलू और ये मटर काट के रखे हैं, इनको इसमें मिक्स कर देते हैं। आते हुए इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इनको थोड़ी देर, बस इनको थोड़ी देर फ्राई करेंगे और आलू को गलने देंगे। और इधर ये हमारे जो आलू हैं उनको मैं ढक के 1 से 2 मिनट के लिए रख दूंगी। और जब तक ये गलेंगे, और ये सूजी जो हमने रोस्ट करी थी वो वहाँ ले लिए। ये हमारे पास 1 कटोरी सूजी है, बड़ी कटोरी है। और इस 1 कटोरी सूजी में हम 2 से 2.5 कटोरी पानी डालेंगे उपमा में। तो इधर पानी भी बॉईल कर लेती हूँ मैं इसके लिए। बॉईल पानी डालेंगे क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं। और टमाटर यहाँ पर 3 से 4 ही कटे हुए रखे हैं। और इधर अपने इसको चेक कर लेती हूँ।
आलू को चेक कर रही हूँ, लेकिन अभी आलू गले नहीं है हमारे, तो इसको मैं और 1 से 2 मिनट ढक के पका लूँगी। अब देख लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं टमाटर गले या नहीं। हमारे टमाटर गल चुके हैं, अब इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी लाल मिर्ची। लाल मिर्ची डालने के बाद मिक्स कर लेते हैं। और अभी जो सूजी हमने रखी है इसको भी डाल देते हैं। इसको सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सूजी के साथ में। हमारी जो भी सब्जियां हैं, मसाला है, वो सब सूजी में अच्छे मिक्स कर लेंगे। और इधर ही साथ साथ में मैंने ये भगोनी में 1 कटोरी सूजी थी तो 2 से 2.5 कटोरी पानी बॉईल कर लिया है उसी कटोरी से नाप के, तो ये पानी मैं इसमें डाल दूँगी। बॉईल पानी है तो आराम से धीरे धीरे डालना है। इसको चला लेंगे अच्छे से। थोड़ा सा पानी और बचा है, ये भी डाल देती हूँ। इसमें थोड़ा पानी कम लग रहा था, और अब इसको 2 मिनट ढक के पका लेंगे। अब इसको 1 सेकंड के लिए ढक दिया था मैंने, चेक कर लेती हूँ। और ये हमारा उपमा बनके हो गया तैयार, एकदम दानेदार खिला खिला। बन गया अच्छा सा। अब इसमें डाल देते हैं हरी धनिया। मिक्स कर लेते हैं धनिया डाल के। आप इसमें गाजर भी काट के डाल सकते हो, बीन्स भी ले सकते हो, कैप्सिकम भी, कोई भी सब्जी इसके अंदर डाल सकते हो। जब हमने आलू डाले हैं वहाँ पे आलू के साथ में सारी सब्जियों को डाल के, बस मेरे पास जो सब्जियाँ थी अभी घर में मैंने उनसे बना ली। और ये हमारा उपमा तैयार हो गया। अब इसमें ऊपर से डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। इसमें देसी घी 1 चम्मच। और अब इसको बस मिक्स करके और सर्व कर देते हैं। और ये मैंने प्लेट लगा ली, और ये हमारा गर्मा गर्म उपमा बन के तैयार हो गया। ऊपर से इस पर डालेंगे थोड़ा सा देसी घी और बस सर्व कर देंगे, और बच्चे और सब लोग खा लेंगे इसको। इसके साथ में बना लेते हैं अदरक वाली गरम गरम चाय और इन्जॉय करते हैं अपना उपमा। यहाँ हम लोग नाश्ता वास्ता करने के बाद बस नहा धो के जयपुर के लिए निकल गए थे। और ये रास्ते में सरसों के खेत देखती हुई मैं जा रही थी मैं, कि कितने अच्छे सरसों हो रही है इधर। और ठंड बहुत ज़्यादा थी, और लूसी भी साथ में है और कृष्णा आया नहीं। कृष्णा को हम लोगों ने वहीं छोड़ दिया, क्योंकि उसके पापा ने बोला कि अभी इसकी पढ़ाई है, बाद में छुट्टियाँ होंगी जब आ जाएगा। तो बस निकल लिए हम ठंड में, और इस समय है कम से कम 2 बजे का टाइम, और फिर भी इतना कोहरा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा। और लूसी भी देखता हुआ चल रहा है, ये भी परेशान हो रहा है, इधर उधर चारों तरफ देख रहा है। जयपुर में एंट्री हो गई, और बिरला मंदिर दिखाई दे रहा है सामने। और अब बस घर की तरफ चल दिए हम लोग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे।
हम लोग धौलपुर से रात को आ गए थे लौट के। अभी सुबह मैं उठ चुकी हूँ, उठ करके बस पानी वानी पिया, ब्रश व्रश किया मुझे और मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने। और यहाँ पे मैंने दूध वाला आ गया था, दूध ले लिया है। और यहाँ आ गई मेरी चाय और इधर गर्म हो रहा है दूध। दूध मैंने रात को मंगाया था थोड़ा सा, ये भी हमारा दूध वाला दे दिया, दूध गर्म हो रहा है और चाय बन रही है। और चाय बना के चाय पी के बस मैं लगाऊंगी वॉशिंग मशीन और घर की डस्टिंग वस्टिंग और सारा काम फ्री करूंगी। चाय वाय पीने के बाद इधर बनाती मैं नाश्ते में मैगी सबके लिए, क्योंकि मेरे को धोने बहुत सारे कपड़े और डस्टिंग वस्टिंग सारे काम करनी है, बैग भी अनपैक करना है। तो यहाँ पे हमारी मैगी बन रही है और इधर साइड में मैंने अरहर की दाल भिगो के रख दी है। लंच में बनाऊंगी दाल चावल और आलू धो के रख दिए हैं, जीरा आलू और दाल चावल बनाऊंगी लंच में। मैगी भी बस बनने वाली है हमारी। इधर मशीन चल रही है, इधर ढूंढ रहे हैं मेरे ढेर सारे कपड़े। और आज धूप निकलने वाली है, मौसम अच्छा लग रहा है, धूप निकल जाएगी, इसलिए मैंने फटाफट से वॉशिंग मशीन लगा दी। जल्दी से कपड़े धो दूँगी तो सूख जाएंगे सारे कपड़े। मौसम ठीक हो रहा है आज। और ये मैगी बनके तैयार हो गई है, बस अब मैगी दे देती हूँ सबको। निकल चुकी है एकदम बढ़िया सी धूप, देखिए इतनी अच्छी धूप के लिए। बस मैंने किचन विचन का सारा काम फ्री किया, नहा ली, सारे कपड़े वपड़े धुल गए। और आज तो पौधों को भी अच्छा लग रहा है, इतनी अच्छी धूप निकली हुई है। और इधर देखिए इसको लूसी को, ये चुपचाप सोया हुआ है, उदास हो रहा है। ये कृष्णा को बहुत याद कर रहा है, वहाँ सब बच्चों को सबको मिस कर रहा है। और ये सुबह से ही इतना उदास है, एकदम चुप से लेटा हुआ है और खाना भी नहीं खाया इसने, रात को आने के बाद भी नहीं खाया और सुबह भी नहीं खाया। लूसी क्या हुआ है, कृष्णा की याद आ रही है, कृष्णा के पास चलना है, नानी घर चलना है, आओ धूप में बैठ जाओ, चलो सर्दी हो रही है, आ जाओ लूसी, खाना तो खा लो। यहाँ पे मेरा पौधा देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। यहाँ मैंने धोए थे बहुत सारे कपड़े और बस सब्जी दाल वाल बना के रख दी थी मैंने, वो सारा काम कर दिया था और आटा लगा लिया। और अब बना लूंगी मैं रोटी, मनु गया हुआ है कोचिंग की बात करने, वो आएगा जैसे ही, गर्मा गर्म रोटी बना दूंगी। बाकी सारा काम हो गया। और ये देखिए सारे कपड़े भी धुल गए, कितने सारे कपड़े धोए हैं आज, बहुत सारे। और ये लूसी के कपड़े भी धुल गए, और लूसी की दरी वरी उसका कंबल सब धो दिया अच्छे से। एकदम बढ़िया धूप निकली हुई है, अभी हमारे सारे कपड़े सूख जाएंगे, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। बस मैंने खाना बनाया, खाना खा लिया है और मन्नू अभी तक आया नहीं है। मैंने दाल चावल और एक चपाती खा ली है। और इधर लूसी को मैं लेके आ गई धूप में, बालकनी में निकली हुई है बहुत अच्छी धूप, तो लूसी को बिठा दिया है इसको सर्दी ना लगे और ये धूप में आराम से बैठा है। यहीं पे इस ब्लॉग का एंड करूँगी, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।